फुलवारी की घटना पर बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जघन अपराध है। महादलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी और न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। अभी कैंडल मार्च 5 बजे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम निकालने जा रही है और कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी एसटी मौर्य और महिला मोर्चा वहां धरना देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की शीट शेयरिंग पर बोले सम्राट चौधरी, हमारा कहना है कि इंडी गठबंधन के लोग लालू जी मिल जाए, नीतीश जी मिल जाए, सबको हराने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को शैतान बोले जाने पर बोले सम्राट चौधरी, किसी का मानसिक स्थिति खराब हो उस पर कोई विचार नहीं रखा जा सकता है। देखिए, जघन अपराध है। महादलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार संघर्ष कर रही है। अभी कैंडल मार्च 5 बजे पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट वहां निकालने जा रही है और कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा और महिला मोर्चा वहां धरना देने का काम। काफी दिनों के बाद सीएम बोले हैं सीट शेयरिंग पर कि सीट शेयरिंग होगा समय पर। समय पे हो जाएगा सब कुछ। हम लोगों को दिक्कत कहाँ है? हम लोगों ने तो कहा है, हमारा कहना है इंडी गठबंधन के लोग लालू जी मिल जाए, नीतीश जी मिल जाए, कांग्रेस पार्टी मिल जाए, सबको मिलाकर ही हराने का काम करें। लालू जी ने प्रधानमंत्री को शैतान कहा है आज। शिक्षा मंत्री ने। अब किसी का मानसिक कोई स्थिति खराब हो उस पर कोई विचार नहीं रखा जा सकता।